देखिए ये कोशिश तो शुरू से चल रहा है, चूंकि मैं भी इस इलाके की बेटी हूँ और जैसा कि आप बोले कि बदनाम एरिया है ये, और जो एक परंपरा मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि इस इलाके की मिट्टी से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है, और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अभी एक उद्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हुनरमंद बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो सिलाई जानते हैं उनका एक फैक्ट्री जैसा कुछ बन पाए। नमस्कार, मैं मनवीश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारी मौजूदगी अभी मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में है, जहाँ के लोग आने से कतराते हैं, जहाँ के लोग बात तक नहीं करते। वहाँ के एक समाज सेवी नसीमा खातून आजकल रेड लाइट एरिया में रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच रोजगार का अलख जगाती हुई नजर आ रही है। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा दें कि अभी आने वाले दुर्गा पूजा में खोश भरने का जो होता है उसकी अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही है, और लोग जो है लगातार जो है दुर्गा पूजा के मद्देनज़र लगातार खोंच बनाने का जो है वो सिलसिला यहाँ जारी है। यहाँ के नसीमा खातून जी से भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह उस इन सब चीज़ों को कर पाई है। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ लोग आने से डरते हैं, जहाँ के लोग बात करने से कतराते हैं, वहाँ आजकल रेड लाइट एरिया के एक नर्तकी की बेटी नसीमा खातून ही आज बच्चों के बीच रोजगार का अलख जगाती हुई नजर आ रही है। कभी बुक के माध्यम से तो कभी रोजगार के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से लगातार जो है वो यहाँ के बच्चों के बीच जो है वो अलख जगाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए नसीमा खातून जी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। किस तरह से बच्चों के बीच इस तरह आप कर पाई, अलग जगह पा रही है? देखिए ये कोशिश तो शुरू से चल रहा है, चूंकि मैं भी इस इलाके की बेटी हूँ, और जैसा कि आप बोले कि बदनाम एरिया है ये, और जो एक परंपरा मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि इस इलाके की मिट्टी से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है, और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अभी एक उद्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हुनरमंद बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो सिलाई जानते हैं उनका एक फैक्ट्री जैसा कुछ बन पाए, जिसमें उद्योग विभाग और जिला प्रशासन मदद कर रही है, लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। तो चूंकि फैक्ट्री बनाना है, काम शुरू होगा और वो बहुत लंबा प्रोसेस में चल रहा है, बहुत डिले भी हो रहा है, लेकिन चूंकि हुनरमंद लोग हैं तो बैठेंगे तो नहीं, और अर्निंग का कोई ना कोई रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे दुर्गा पूजा की शुरुआत होना शुरू हुई तो बात हुई हुई कि मिट्टी यहाँ से लेके लोग जा रहे हैं, प्रतिमा निर्माण होगा, तो हमें लगा कि हम लोग खोइचादानी निर्माण कर रहे हैं और माता रानी को भी खोइचा भेंट किया जाता है, सभी जितने लोग दुर्गा पूजा करते हैं सभी लोग, तो क्यों ना इस बार वंचित जमात की बेटियों के द्वारा खोइचादानी बनाया जाए। और एक तो कि ये खोइचादानी यहाँ से अगर लोग लेते हैं तो यहाँ की बेटियाँ जो मेहनत कर रही हैं इतनी शिद्दत से, उनको थोड़ा सा रोजगार का एक जरिया मिल जाएगा, दूसरा माता रानी को भी एक नई चीज, नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, नई भेंट हो जाएगी, मिट्टी ही नहीं यहाँ की बनाई हुई चीज भी माता रानी को चढ़ाना चाहिए। अगर ये रिवाज हमारे मुजफ्फरपुर जिला से शुरू हो जाता है और शहर के सभी लोग इसमें मदद करते हैं तो हमें लगता है कि ये नई इतिहास और नए परंपरा का जन्म होगा। तो किस तरह से निर्माण होता है, फिर इसको किस तरह से आप लोग सेल करते हैं? देखिए अभी तो चूंकि ये पहली बार हम लोगों ने ये कोशिश शुरू की है, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा है, ये देखिए ये सब माता रानी का वो बना के अभी रखे हुए हैं। तो अभी तो हम जिनको जानते हैं उनको बोल रहे हैं कि आइए और आप खोइचा डालिए, जैसे माता को वो टिकली सिंदूर चावल ये सब डालते हैं तो ये इसमें आप डाल के ये माता के कमर में जैसे खोइचा आंचल में लेते हैं वो बंद जाएगा। तो क्या है कि जैसे अभी हम लोग खोइचा दानी देते हैं तो माँ के जो साड़ी पहनाते हैं उस आंचल में जाता है, तो बहुत सारे खोइचा दानी लोग दे रहे हैं लेकिन वो खोइचा में तो पूरा नहीं आएगा ना, लेकिन अगर इस तरह का करें तो माता के पास समीप चला जाएगा और अच्छी बात ये होगी कि ये हमारे द्वारा बना है। तो हम लोग कोशिश जब शुरू किए तो एक दो पंडित जी लोग पुरोहित लोगों से बात हुई कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं क्या ये सही है, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पवित्र काम है, अगर ये खोइचा दानी भी माँ को अर्पण हुआ तो ये अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत होगा, और जो भी इसको चढ़ाएंगे भेंट करेंगे वो दो काम करेंगे, एक तो माता को प्रसन्न करेंगे, दूसरा यहाँ पे जो माताएं कोशिश कर रही हैं अपने आप को एक नई रास्ता खोजने की, उनको भी इस जरिए एक नया माध्यम मिलेगा।
क्या जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसमें आप लोगों को सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए, अभी तो जिला प्रशासन से हमें इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ये बिल्कुल नया आइडिया है। लेकिन हाँ, मैं आपके न्यूज नेशन के जरिए कहना चाहूँगी कि जिला में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और जिन तक ये बात जा रही है, क्योंकि हम लोग तो एक कोशिश किए हैं, इस कोशिश को वाकई में मंजिल तक पहुँचाने का काम हमारे लोग करेंगे। हमारी नियत बस इतना है कि हमारे द्वारा बना हुआ कोइंछादानी माता रानी को जरूर भेंट की जाए, और हम तो बनाने वाले चंद हाथ हैं, लेकिन अगर बहुत सारे हाथ इसमें शामिल हो जाए, बहुत सारे लोग माता रानी के लिए, एक एक व्यक्ति भी अगर कोइंछादानी आके लेता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो बेटियां लगी हुई हैं वो एक नई मिसाल पेश करेंगी, और बदलाव का ये सीढ़ी मेरे ख्याल से ये स्वतः अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हाथ आगे आया तो फिर क्या होगा, हम कोशिश तो लगातार कर ही रहे, आज नहीं तो फिर एक नया कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी इस बार कोशिश है कि मिट्टी ही क्यों, हमारे बनाए हुई चीज भी माता रानी को भेंट कीजिए आप लोग। इससे पहले भी बुक्स के माध्यम से आप लोग बहुत जागरूकता लोगों में लाया है जी, उसको लेके क्या जी लगातार जुगनू हमारे लिए एक ऐसा शब्द ही बन गया है। पहले तो हम लोग एक मैगजीन जो हमारी जुगनू हस्तलिखित पत्रिका, वही के जरिए लोगों के बीच थे, लेकिन जब हम इसको रजिस्ट्रेशन मतलब उद्योग का काम शुरू किए, सिलाई ग्रुप यहाँ पे शुरू हुआ, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाने लगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जब गए तो उद्योग विभाग में बात हो रही थी कि क्या नाम देना चाहिए इस ग्रुप का, क्योंकि अब 20 महिलाओं का ये ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, मैंने बोला आप लोग ही नाम सजेस्ट करें तो हमारे लिए एक यादगार रहेगा कि आप लोगों ने कोई नाम हमें सजेस्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि जुगनू से बेटर तो कोई नाम ही नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी हमारे साथ जो जुगनू का एक पहचान बना है इसके जरिए, और अभी खोइंछादानी के जरिए, और जुगनू एक क्या बोले अंधेरे में एक जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए हम लोग निकल के आ रहे हैं, तो जुगनू बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी के जैसे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन अगर जितने सारे जुगनू इकट्ठा हो रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया जाए जिला प्रशासन के द्वारा, और क्योंकि हमारे पास आप देख रहे हैं कि छोटा सा कमरा, बिल्कुल लिमिटेड जगह है, और यहाँ पे हम 10 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं, 10 लोग बैठेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 या 3 लोग से ज्यादा हम नहीं स्टे कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन से मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि अगर वो हमें बैठने का एक जगह दे, तो जो 20 लोग इसमें आगे आने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक जगह आने की मजबूती मिलेगी।